हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैबल टैरेट्स। टुडे आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर कन्या राशि, यानी कि वर्गो राशि के जो जातक हैं उनके लिए मैंने वीडियो बनाए हैं। कैसा जाएगा उनका समय 16 जनवरी से 31 जनवरी तक का समय। मैं अपने आसपास जो कोई एंजल्स हैं मैं ये पूछना चाहूँगी कि कन्या राशि के जो जातक हैं वर्गो, उनका 16 जनवरी से 31 जनवरी तक का समय कैसा जाएगा, क्या क्या होगा 15 डेज में। पिछले कार्ड्स जो आए थे वो बहुत हर राशि में अच्छे नहीं आए थे, तो सब कुछ अच्छा अच्छा जाए इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे जो है वो कार्ड्स का मैसेज जरूर देखते रहा करिए। इससे आपको हेल्प मिलती है और आपको गाइडेंस ही मिल ही रहा होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसलिए जो देखिए, सबसे पहला कार्ड आप लोग के लिए जो आया है वो आया है सन का। दैट मीन्स कि आप बहुत इसका कॉन्फिडेंट रहेंगे, कोई नई शुरुआत करना चाहेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। अगर जो लोग कोई कुछ नया बिजनेस, कुछ क्रिएटिव थिंक करना चाहते हैं, घर में हाउसवाइफ हैं, कुछ नया कुछ करना चाहेंगे, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि पैसा कमाने के लिए करें, हो सकता है घर में अपनी खुशी को और अच्छे से बढ़ाने के लिए, फैमिली लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए कुछ भी हो सकता है। किसी सन का कार्ड आया हुआ है, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, नई चीज़ निकल के आएगी आपके लाइफ में। और यहाँ पे कार्ड आए हैं प्रोग्रेसिव स्टूडेंट का। स्टूडेंट अगर आप हैं ना तो बहुत अच्छा आपके लिए समय है इस वक्त। कंपटीशन की तैयारी करिए, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए या कुछ हो जाए, इस तरीके से कार्ड दिखा रहा है। अगर सीरियस होकर काम करते हैं तो, और अगर आप डिग्रीधारी हैं, डिग्री आप हासिल हैं या जॉब अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए प्लीज़ ट्राई आउट करिए। यहाँ पर कार्ड पॉजिटिव दिखा रहा है, कोशिश करिए चीज़ों को सुधारने के अपने, और अच्छे से उससे उसको जो है प्रोग्रेस करिए। ये कार्ड ये भी अच्छा है, इस वक्त बहुत आपके दिल में चाहत रहेगी किसी चीज़ को पालो, एग्रेसिव एकदम होके रहेंगे कि नहीं नहीं ज़िद्दीपन, जैसे कि नहीं मुझे यही चाहिए यही चाहिए, तो ये ज़िद्दीपन वाला कार्ड स्टबर्न टाइप के हो जाएंगे। यू विल बी लाइक अ स्टबर्न एंड यू विल बी वेरी प्रोग्रेसिव इन योर फील्ड। और ट्रिक्स खेलने, हो सकता है कि आप ट्रिक्स जो हैं इस वक्त थोड़ा सा चलें कि एग्रेसिव हो जाएंगे ना, कि बिल्कुल एकदम स्टबर्न टाइप के, नहीं नहीं मुझे यही चाहिए, तो हो सकता है इस चक्कर में आप थोड़ा सा ट्रिक्स भी खेलना शुरू कर दें। तो ट्रिक्स खेलेंगे आप, और एंजल्स की तरफ से आपके ब्लेसिंग्स हैं, ये भी अच्छा कार्ड है। और द हर्मिट का भी कार्ड, यहाँ पे आप मैच्योरिटी के साथ काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहिएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके स्टक्ड मत हो जाएगा, चिपक मत जाएगा एक ही चीज़ से। तो ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स की तरफ से। कार्ड सब अच्छे आए हैं आपके, कार्ड यहाँ पे कोई ख़राब कार्ड नहीं आया है। आई थिंक 15 डेज का समय आप लोग के लिए अच्छा ही जाएगा। आई श्योर कि आप किसी चीज़ को ट्रिक्स खेल करके हो सकता है प्राप्त कर लें। तो कंपटीशन की तैयारी के लिए तो बहुत अच्छा है, जो लोग कर रहे हैं घर में, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपके लिए चीज़ें बेहतर हैं। आई थिंक आपको मैसेज बहुत क्लियर मिल गया होगा वर्गो राशि जो है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।